हेलो भाई, गोल्डन रेड कृष्णा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है। तो अगर बात करें आज अपन सबसे ज़्यादा फेमस इंडियन एक्सीडेंट की, तो वो अभी चल रहा है क्रिकेटर ऋषभ पंत का, जो हाल ही में 30 दिसंबर की रात को हुआ। ये उनकी मर्सिडीज की SUV है, जो एक्सीडेंट के बाद फुटेज सामने आई है, वो कुछ इस तरह की हैं जिसको देख कर अंदाजा लगा सकता है कि एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक था और गाड़ी पूरी तरह से खराब और डैमेज हो चुकी है। तो यार सब अगर बात करें गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में, तो ऋषभ पंत क्रिकेटर जो है उनकी ये पहली गाड़ी थी जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट के डालकर शेयर किया था और नीचे लिखा भी है फर्स्ट वन। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी उनकी पहली गाड़ी थी जिसमें उनका ये एक्सीडेंट हुआ। न्यूज़ की माने तो ऋषभ पंत जो है वो अपनी मदर को सरप्राइज करने के लिए दिल्ली से रुड़की अपने होम टाउन जा रहे थे। रुड़की में सुबह करीब 5:30 के आसपास ये एक्सीडेंट जो है हुआ। एक्सीडेंट की वजह बताई जा रही है कि ऋषभ पंत की झपकी लग गई, जिस वजह से गाड़ी सीधे जाकर सामने डिवाइडर में जाकर घुस गई। वहां मौजूद हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान भी बचाई, उनकी आंखों देखी माने तो गाड़ी जो है उनकी तरफ अनकंट्रोल होती हुई आ रही थी। उसे बचाने के चक्कर में और यात्रियों के साथ में जान भी बचाने के चक्कर में उन्होंने बस को बाईं ओर मोड़ लिया, जिसके बाद गाड़ी जाकर डिवाइडर में भिड़ गई और 2 से 3 पलटियाँ खाकर रोड पर रुक गई, जिसके बाद जो है गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और गाड़ी में आग भी लग गई। तो यार एक्सीडेंट की बात तो सभी कर रहे हैं, पर आज मैं जो है कहने आया हूँ गाड़ी के साइड की स्टोरी। तो गाड़ी के बारे में अगर हम जान लें, क्योंकि इसी गाड़ी ने जो है ऋषभ पंत की जान बचाई है। तो गाड़ी है भाई मर्सिडीज की तरफ से आने वाली शानदार SUV मर्सिडीज GLE AMG 43 कूपे, जो कि 1 करोड़ के लगभग की प्राइस रेंज के अंदर आती थी और गाड़ी बहुत ही शानदार और सेफ्टी फीचर्स के साथ भरी हुई थी। इस गाड़ी ने जो है ऋषभ पंत की जान बचा ली, जो कि पहली गाड़ी थी उनकी। इंस्टाग्राम पर डाला हुआ उनका फोटो आप पहले ही देख चुके हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गाड़ी में ब्लास्ट जो हुआ उससे पहले जो है ऋषभ पंत बाहर निकल चुके थे शीशा तोड़कर। रीज़न जो बताया जा रहा है ओवर स्पीडिंग बताया जा रहा है या झपकी बताई जा रही है, दोनों ही चीज़ें जो हैं खतरनाक हैं। ऋषभ पंत को एक ड्राइवर तो अपने साथ लेकर चलना ही चाहिए था। तो एक बार अगर गाड़ी के बारे में आपको बताऊँ मैं, तो इसके अंदर आपको 3000 cc का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। आमतौर पर आप जानते ही होंगे मर्सिडीज जैसी और बड़े जो फॉरेन ब्रांड्स हैं इनके अंदर कितने ही ताकतवर पावरफुल इंजन रहते हैं, जो कि गाड़ी को कितनी ही ज़्यादा पावर भी देते हैं साथ में सेफ्टी भी देते हैं। 362 BHP जो है इसके अंदर पावर मिल जाती है और 520 Nm का न्यूटोमीटर का टॉर्क है। तो इतनी ज़्यादा पावर फिगर्स होने का मीनिंग यही है कि गाड़ी जो है भागने में काफ़ी तेज़ थी, इसी वजह से बताया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार है जो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी एक्सीडेंट के समय। 9 गियर्स इसके अंदर आते हैं जो कि पैडल शिफ्ट के साथ मिल जाते हैं। तो अब अगर आगे बात करूँ मैं मेन जिस वजह से जान बच पाई, तो वो है इसके सेफ्टी फीचर्स। तो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स, जो कि ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर को बचाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो भाई आखिर मैं यही कहूँगा, कितनी ही शानदार गाड़ी और कितनी ही सेफ गाड़ी क्यों ना हो, एक गलती की वजह से ऐसे अंजाम पहुँचने में देर नहीं लगती। जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत का इंटेंशन खराब नहीं था, बस उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी चुन ली जो उनके लिए भयानक साबित हो गई। यहीं अगर एक ड्राइवर साथ में होता तो शायद मंजर कुछ अलग होता। तो भाई ऐसे में आपको यही बोलना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें और चाहे कितनी ही सेफ गाड़ी क्यों ना हो, अपनी तरफ से खुद सेफ्टी लेकर ज़रूर चलें, क्योंकि आखिर गाड़ी है वो, रोड पर अगर टक्कर होगी या पलटेगी तो नुकसान तो गाड़ी में होगा ही और साथ ही जान का भी हो सकता है। तो भाई आगे से सारी चीज़ों का ध्यान रखें और रोड पर चलते वक्त खास ध्यान अपना और अपनों का ज़रूर से रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।